हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेफ साफ कंपनी लोगों को इतना पैसा कहां से देती है। दोस्त, जो लोग सेफ साफ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि सेफ साफ कंपनी लोगों को कितना ढेर सारा पैसा देती है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं कि आखिर सेफ साफ कंपनी लोगों को इतना पैसा देती है तो सेफ साफ कंपनी लोगों को इतना पैसा कहां से देती है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सेफ साफ कंपनी लोगों को इतना ढेर सारा पैसा कहां से देती है। तो चलिए बिना देर के भी आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, इसी तरह से सेफ साफ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सेफ साफ कंपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और जो लोग सेफ साफ कंपनी में काम करते हैं और काम करते करते अच्छे लेवल पे हो जाते हैं तो उनको सेफ साफ कंपनी लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख, कभी कभी महीने का एक एक करोड़ रुपया का भी इनकम सेफ साफ कंपनी देती है। तो सेफ साफ कंपनी इतने लाखों रुपए और करोड़ों रुपए अपने लोगों को किस बिहेव पे देती है? क्या सेफ साफ कंपनी लोगों से पैसा लेके लोगों को पैसा देती है या कुछ और ही बात है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेफ साफ कंपनी किसी से पैसा लेती नहीं है और न तो पैसा लेती है और न उस पैसों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सेफ साफ कंपनी लोगों को पैसा कहां से देती है? दोस्त, इसका सिंपल सा जवाब है कि सेफ साफ कंपनी लोगों को पैसा अपने कंपनी के प्रॉफिट में से देती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेफ साफ कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सेफ साफ कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है। दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग सेफ साफ कंपनी में काम करते होंगे या जो लोग सेफ साफ कंपनी में काम नहीं भी कर रहे होंगे, मैं उनको बता दूँ कि सेफ साफ कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट सेफ साफ कंपनी में अवेलेबल हैं। अब सेफ साफ कंपनी क्या करती है, इन प्रोडक्ट को लोगों के माध्यम से सेल करती है, मतलब लोगों के माध्यम से बेचती है। जो लोग सेफ साफ कंपनी में काम करते हैं वो सेफ साफ कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अब सेफ साफ कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है? सेफ साफ कंपनी को प्रॉफिट इस तरीके से होता है। तो मान लीजिए कि सेफ साफ कंपनी में एक सूट लेंथ है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और मान लीजिए कि मैं सेफ साफ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं सेफ साफ कंपनी का एक एडवाइजर हूँ, तो कोई मुझसे कहेगा कि भाई मुझे कोई एक सूट लेंथ चाहिए जो कि अच्छा हो, थोड़ा सा सस्ता हो और किफ़ायती हो, तो कहाँ से मैं उस सूट लेंथ को लूँ? तो मैं उसको बताऊँगा कि मेरे पास एक सूट लेंथ है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, आप उसको यूज करिए और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। मतलब कि मैंने सेफ साफ कंपनी के सूट लेंथ के बारे में अपने दूसरे व्यक्ति को बता दिया। अब क्या होगा कि मेरे बताने से अब दूसरा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और सेफ साफ कंपनी से 10,000 का प्रोडक्ट मेरे माध्यम से वो खरीद लेता है। अब मैं बताता हूँ कि सेफ साफ कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हुआ। देखिए, सेफ साफ कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है, तो जो 10,000 का ये सूट लेंथ था, क्या वो 10,000 रुपये में पूरा बना था? नहीं, उसकी बनने की कॉस्ट कम से कम 4,000 या 5,000 होती है। तो अब 4,000-5,000 का सामान की कीमत 10,000 रुपये हो गई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में पैसा खर्च होता है, जो उस मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उन पे पैसा खर्च होता है, तो इसलिए उस प्रोडक्ट का दाम 10,000 रुपये रखा गया और 10,000 का सामान मैंने अपने नए लोग को दे दिया। अब देखिए, 4,000 का सामान बना था, उसकी कीमत 10,000 रुपये थी और मैंने उसको 10,000 रुपये में बेच दिया, मतलब 4,000 का सामान 10,000 रुपये में उसको मैंने सेफ साफ कंपनी से दिला दिया, तो बचा कितना? बीच का 6,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग का बचा। तो अब इन 6,000 रुपये में होता क्या है, 6,000 रुपये में सेफ साफ कंपनी 30% पैसा अपने कंपनी में लगाती है क्योंकि कंपनी में भी लोग काम कर रहे हैं, तो 30% पैसा सेफ साफ कंपनी में जाता है और 70% जो पैसा बचता है वो हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो इस तरीके से सेफ साफ कंपनी को प्रॉफिट होता है। और मैं आपको बता दूं कि सेफ साफ कंपनी में ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनकी लागत कम में बनती है और प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे लोगों को मिलता है। लेकिन अब आपके मन एक सवाल आ रहा होगा कि 4,000 का प्रोडक्ट आप 10,000 में बेच रहे हैं, 8,000 का प्रोडक्ट आप 16,000 में बेच रहे हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब सेफ साफ की हम बात नहीं करेंगे,
अब हम बात करेंगे दूसरे मार्केट की बात जो हम डेली यूज में लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूँ, एक टूथपेस्ट। मान लीजिए हम किसी दुकान पर जाते हैं और 10 रुपये का हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो आप ये सोचिए क्या वो 10 रुपये का टूथपेस्ट 10 रुपये में बना होगा? जी नहीं, 10 रुपये में वो टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं बना होगा। उसकी कीमत 1 रुपये या 2 रुपये होगी। लेकिन अब 1 रुपये 2 रुपये कीमत बढ़ के 10 रुपये कैसे हो गई, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि देखिए, उस टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, और बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और एजेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं। तो इन सारी प्रोसेस से इस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है, तब जाके इस प्रोडक्ट का दाम 1 रुपये का प्रोडक्ट बना हुआ 10 रुपये में आपको मिलता है। अगर बाहरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा खर्च किसी प्रोडक्ट को होता है तो उसका प्रचार करने में होता है। तो अब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का लोग प्रचार करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज लोग प्रचार करते हैं, तो वो जो टूथपेस्ट की कंपनी रहेगी, वो जो प्रचार करते हैं सेलिब्रिटीज, उनको भी कुछ पैसा देती है। इसलिए 1 रुपये का प्रोडक्ट हमें 10 रुपये में मिलता है। यहाँ पर टूथपेस्ट कंपनी को फायदा तो हो रहा है, इसलिए जो लोग उसका प्रचार करते हैं, जो लोग उसके होलसेलर हैं, जो लोग उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको टूथपेस्ट कंपनी पैसा देती है। ठीक इसी प्रकार से सेफ साफ कंपनी में भी काम होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपका थोड़ा कम में बनेगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर रख दिया जाएगा, आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस पे आपको वो सामान खरीदना होगा। लेकिन जो बीच का पैसा बचेगा, वो जो जिसके माध्यम से वो सामान गया होगा, जिसके माध्यम से वो सामान बेचा गया होगा, उसको सेफ साफ कंपनी पैसा देती है। तो इस तरीके से सेफ साफ कंपनी को पूरा लाभ होता है, और इस तरीके से जितना भी बीच का पैसा बचता है, वो सेफ साफ कंपनी 30% पैसा अपने कंपनी में लगाती है, और 70% पैसा हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सेफ साफ कंपनी लोगों को इतना पैसा कहां से देती है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल करने हैं, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब आसानी से दे दूंगा। और इसी तरह से सेफ साफ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।